नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। देश ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 100 करोड़ देशवासियों के कोविड 19 वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। इस उपलक्ष्य में देश के 100 विश्व धरोहरों को आज विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे लाइटों से जगमग कर दिया गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध धरोहर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष नालंदा खंडर भी शामिल किया गया है। इधर एक ओर पूरा देश दशहरा मना रहा है, वहीं देश में 100 करोड़ देशवासियों को कोविड 19 वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया है। इसके उपलक्ष्य में आज देश के 100 विश्व धरोहर को आज विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे लाइटों से जगमग किया गया, जिसमें एक नालंदा खंडर भी शामिल किया गया है। बता दें, आज विश्व धरोहर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष नालंदा खंडर में पुरातत्व विभाग के द्वारा रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। इधर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने कुछ देर बाद ही लाइट बंद कर मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में मायूसी छा गई। कंट्री इनसाइट के लिए कौशलेंद्र पराशर की रिपोर्ट।